अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रॉक इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पी फॉर्म। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉली यूरेथेन फॉर्म। इसके बहुत से फंक्शंस हैं, इसको यूज़ करने के बहुत से रीजंस हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट फेवरेट फंक्शन है वो है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। गर्म एरिया के अंदर हम इसको हीट प्रूफिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, और बर्फ़ानी इलाका जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इसी फॉर्म को कोल्ड प्रूफिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक इंसुलेशन होती है जिससे ना तो हीट पास होती है और ना ही ठंड पास होती है। इसी वजह से इसको हम हीटिंग के लिए, हीट प्रूफिंग और कोल्ड प्रूफिंग दोनों मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये वाटर प्रूफिंग और साउंड प्रूफिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि इसको यूज़ करने की रीज़न क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसको यूज़ करने का मेथड क्या है। पी यू फॉर्म को बनाने के लिए केमिकल्स को प्रेशर के साथ टॉप तक पहुंचाया जाता है। जो केमिकल हमने पी यू फॉर्म के लिए यूज़ करने हैं, पॉलियर और TMDI, इनको प्रेशर के साथ टॉप तक पहुंचाया जाता है, और वहां से जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनके रिएक्शन के, इनके मिलने के नतीजे में फॉर्म बनता है। जैसे जैसे स्प्रे करते जाएंगे फोम बनता जाएगा। तो इसको जो यूज़ करने का जो बेस्ट टेम्परेचर है वो है मिनिमम 25 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर पर आप फोम बनाने की कोशिश करेंगे, तब जो है आपका जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा यूज़ होगा, वो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसको जो यूज़ करने का जो बेस्ट जो टेम्परेचर है वो है कम अज़ कम 25 टेम्परेचर होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो बेस्ट है।